बिल्कुल, और इकॉनमी रोड टू रिकवरी के आज के सफर में हम बात करेंगे सीमेंट सेक्टर की। महामारी के चलते सीमेंट की डिमांड काफी गिरी है और अब जबकि अनलॉक फोर शुरू हो गया चल रहा है, इस सेक्टर को भी भारी रिकवरी की उम्मीद है। कोरोना की चुनौतियों से रिकवर होने के लिए सेक्टर की तरफ से क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार से क्या क्या मदद चाहिए, इस पर हमने बातचीत की सीमेंट स्टॉकिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजय लाडीवाला से। और किस तरह से सीमेंट की डिमांड शहरों के मुकाबले गांव में किस तरह की रही है, इस पर उन्होंने अपनी राय रखी। आइए सुनते हैं डिमांड पर उन्होंने क्या कहा। मार्च से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से डिमांड तो बिल्कुल जीरो हो गया था। अप्रैल में तो डिमांड था ही नहीं, मई एंड में थोड़ा बहुत पिकअप देखने को मिला हमें, और जून में हमें उम्मीद थी कि अभी ये बढ़ेगा, बढ़ा भी सही। लेकिन जुलाई में जब मानसून बारिश जब शुरू हुई तब से फिर से लौट गया और डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गई। जुलाई काफ़ी मंदा रहा, अगस्त भी, और सितंबर में भी हम कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं देख रहे हैं। अर्बन सेंटर्स में ये आज की डेट में हम देखें तो एवरेज जो ईयर ऑन ईयर डिमांड था उसका 20-25% है, काफ़ी कम है। अब सवाल ये है कि ओवरऑल स्थिति क्या है, क्या दीपावली के बाद हालात सुधरने की कोई उम्मीद है, इस पर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। रूरल एरिया से जो गांव है वहाँ काफ़ी अच्छा है, 40-50% ईयर ऑन ईयर वहाँ दिखने मिलता है। काफ़ी कारण है इसके, एक तो वहाँ लेबर अवेलेबल है क्योंकि जो माइग्रेंट लेबर है वो गांव में गए हैं और वहाँ होने के कारण वो जो भी उनको बांधकाम करना होता है इंडिविजुअल हाउसिंग में वगैरह वो कर पाते हैं, उनको आज पैसा भी मिल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से भी मिल रहा है, खेती से भी मिल रहा है, और मानसून अच्छा रहा है इसकी वजह से आमदनी भी होती है। तो हम देख रहे हैं कि गांव में रूरल सेक्टर में ये डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है, काफ़ी बढ़ रहा है कंपेयर टू सिटीज़, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में नहीं लेकिन वो आगे बढ़ रहा है। अब हम ये देख रहे हैं कि आने समय में डिमांड में जो बढ़ावा आना चाहिए वो मेरे ख्याल से दिवाली के पश्चात ही होगा।